नमस्कार, वेब टेक्नोलॉजी के इस सत्र में आपका स्वागत है। मैं दर्पण आनंद, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और इस चर्चा का आज का विषय इंटरनेट और इंटरनेट का आर्किटेक्चर। जिन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय हैं ट्रांसमिशन मोड्स अर्थात संचार के प्रकार, इंटरनेट हमारे घर तक कैसे पहुँचता है इसके आर्किटेक्चर के बारे में, इसके साथ ही हम इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स और उन प्रोटोकॉल्स के द्वारा हम कैसे इंटरनेट को स्टैंडर्ड दे सकते हैं और वो स्टैंडर्ड क्या हो सकता है इसके बारे में इस चर्चा में हम ये विषय लेने वाले हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन अर्थात संचार के प्रकार, कई जगह पर हमें ये कम्युनिकेशन मोड्स के नाम से भी मिलता है, जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, दो मशीन के बीच का कम्युनिकेशन, क्लाइंट सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन, ये कितने प्रकार का हो सकता है इस विषय पर चर्चा करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को समझने के लिए चार चीजों को समझना आवश्यक है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और फिर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सेंडर का अर्थ है जो डेटा भेज रहा है, रिसीवर का अर्थ है जो डेटा रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम का अर्थ हुआ सेंडर और रिसीवर किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस माध्यम के ऊपर डेटा किस प्रकार से संचारित हो रहा है उसे हम कहेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेजा, चैनल टू सेंड डेटा अर्थात जिस माध्यम से डेटा भेजेगा उसे हम चैनल कहेंगे और डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे उस डायरेक्शन के आधार पर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिसाइड होता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसका अर्थ हुआ कि जो ट्रांसमिशन डेटा का होगा वो एक डायरेक्शन में एक दिशा में होगा, अर्थात केवल सेंडर ही रिसीवर तक डेटा पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए केबल टेलीविजन, आप लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई मैच का लाइव आता है तो वो संचारित एक जगह से किया जाता है और हमारा टीवी उस चैनल को माध्यम से सिर्फ डेटा को रिसीव करता है। हम लोग इस चैनल के थ्रू अपना डेटा भेज नहीं सकते, केवल रिसीव कर सकते हैं। इस प्रकार के मोड को हम लोग सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में डेटा दोनों ओर तो चलता है, अर्थात सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, रिसीवर सेंडर बनकर सेंडर बने रिसीवर को भी भेज सकता है, लेकिन एक बार में डेटा एक डायरेक्शन में ही चलेगा, अर्थात या तो नोड ए सेंडर बन सकता है या नोड ए रिसीवर बन सकता है। जब नोड ए सेंडर बनेगा तो वो डेटा रिसीवर बी तक पहुंचाएगा और जब रिसीवर बी डेटा भेजना चाहेगा तो वो सेंडर बनेगा और रिसीवर ए अर्थात जो सेंडर था वो रिसीवर बनेगा। एक साथ दोनों डेटा नहीं भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में एक बार में एक नोड ही डेटा भेज सकता है और दूसरा नोड डेटा रिसीव कर सकता है। इसलिए यहां पर जब सेंडर रिसीवर बनता है या रिसीवर सेंडर बनता है तो एक समय लगता है, उस समय को हम लोग टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अगला मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन का अर्थ है डेटा दोनों ओर से एक साथ भेजा जा सकता है। जैसे इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से डेटा रिसीव भी करते हैं, जैसे किसी फाइल को डाउनलोड करना, और डेटा भेजते भी हैं, जैसे किसी फाइल को अपलोड करना। तो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन का अर्थ हुआ कि किस प्रकार से दो नोड एक साथ डेटा भेज सकें और डेटा रिसीव कर सकें। दूसरा विषय जो इस चर्चा का मुख्य विषय है वो है इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है। इंटरनेट को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सामान्यतः आईएसपी या आईएपी कहा जाता है। आईएपी का अर्थ है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी होती है जिसे सरकार से इंटरनेट को भेजने के लिए या इंटरनेट ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाइसेंस मिलता है, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, जियो आदि। आईएसपी का अर्थ हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसकी जिम्मेदारी है कि जितने भी इसके क्लाइंट हैं उन क्लाइंट तक इंटरनेट को पहुंचाना। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, अर्थात सारे नेटवर्क अगर जिस नेटवर्क से जुड़े होंगे ऐसे नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट में डेटा सामान्यतः पैकेट की फॉर्म में सेंडर से रिसीवर तक एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचता है। आईएसपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है रीजनल आईएसपी और दूसरा है नेशनल आईएसपी। रीजनल आईएसपी वो आईएसपी है जिसे जिम्मेदारी केवल एक रीजन तक की दी गई है, जैसे कई सारे आईएसपी केवल कुछ ही शहर में या कुछ ही राज्यों में अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे आईएसपी को हम रीजनल आईएसपी कहते हैं। नेशनल आईएसपी, इसका अर्थ हुआ वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी इंटरनेट सर्विस अपने कस्टमर्स को पूरे भारत या पूरे नेशन में पहुंचाते हैं, ऐसे आईएसपी को हम नेशनल आईएसपी कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कैसे इंटरनेट हमारे घर तक पहुंचता है, कैसे ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहलाता है, कैसे हम अपना डेटा कहीं दूसरे कोने पर बैठे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आईएसपी की कुछ लेयर्स इस चित्र में दिखाई गई हैं, जैसे इंटरनेट यूजर, उसके बाद लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और फिर नेशनल या ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन्हें हम बैकबोन प्रोवाइडर भी कहते हैं। अगर हम बॉटम से शुरू करें तो इंटरनेट यूजर की लेयर आती है। इंटरनेट यूजर अर्थात हम सब जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग हम मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए हमें एक कनेक्शन की आवश्यकता होती है और वो कनेक्शन हमें आईएसपी के द्वारा दिया जाता है। वो आईएसपी लोकल आईएसपी हो सकता है, रीजनल आईएसपी हो सकता है या नेशनल आईएसपी हो सकता है। जैसी जिस कस्टमर की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के आधार पर वो आईएसपी से कनेक्शन लेता है। तो हमारा जो यूजर है सबसे पहले लोकल आईएसपी से कनेक्टेड होगा। लोकल आईएसपी जितने भी होते हैं उन्हें नेटवर्क सर्विस देने का काम सामान्यतः रीजनल आईएसपी या नेशनल आईएसपी करते हैं। और जितने भी रीजनल आईएसपी हैं वो आपस में तो कनेक्ट होते ही हैं, साथ में वो नेशनल आईएसपी या ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। और ये सारे ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर या ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइडर आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर या नेशनल सर्विस प्रोवाइडर या नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपस में जो कनेक्शन या नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क को हम बैकबोन भी कहते हैं। मान लीजिए भारत से हमें कोई डेटा अमेरिका भेजना है, तो अमेरिका का नेशनल सर्विस प्रोवाइडर और भारत का नेशनल सर्विस प्रोवाइडर आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ये कनेक्शन कैसे बनेगा? ये कनेक्शन सैटेलाइट के थ्रू बनता है। तो इस प्रकार से जितने भी देशों के नेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्शन करके नेटवर्क बनता है इसे बैकबोन नेटवर्क कहते हैं। ये बैकबोन नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का मुख्य आधार है। इस बैकबोन नेटवर्क से विभिन्न रीजनल नेटवर्क्स या रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टेड होते हैं, और ये जो पूरा नेटवर्क बनता है इसके माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज हमारे घर तक या हमारे डिवाइस, हमारे फोन, हमारे डेस्कटॉप, हमारे लैपटॉप तक पहुंचती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, अर्थात ऐसे नियम जिनके नियमों का पालन कर इंटरनेट हमारे घर तक पहुंचता है, इस विषय को हम चर्चा में लेके आते हैं। इंटरनेट को हमारे घर तक पहुंचने के लिए
कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। वो स्टैंडर्ड का आवश्यकता इसलिए है कि हम आसानी से ये पता कर पाएं कि कौन कौन से काम किस किस डिवाइस ने कैसे कैसे किए हैं। अर्थात अगर कुछ इंटरनेट ना पहुंचने के कारण समस्या आती है तो उस समस्या को हम लोग जान पाएं, इसके लिए हम लोगों ने इस पूरे के पूरे नेटवर्क के सर्विसेज को 7 लेयर्स में बांटा है। इन 7 लेयर्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये अगले आने वाला विषय इस चर्चा का है। प्रोटोकॉल का अर्थ है ऐसे नियम, जिन नियमों का पालन कर हम इन नेटवर्क सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकें। इन प्रोटोकॉल्स में या इन सेट ऑफ रूल्स में हम जिन चीजों का ध्यान रखते हैं वो हैं फॉर्मेट ऑफ डेटा, एक्सचेंज रूल्स, कंट्रोल डेटा फ्लो और मैनेज कम्युनिकेशन। फॉर्मेट डेटा का अर्थ है अगर दो नोड के बीच में या दो एंटिटी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, अर्थात डेटा पहुंच रहा है, तो वो डेटा किस फॉर्मेट में भेजे जाएगा, क्योंकि दूसरी डिवाइस भी उस डेटा को समझे कैसे, तो उसकी फॉर्मेटिंग करना ये पहला काम है किसी भी प्रोटोकॉल का। दूसरा, एक्सचेंज कैसे होगा, अर्थात डेटा कैसे पहुंचेगा। जैसे पहले सेंडर बताता है रिसीवर को कि मैं डेटा भेजने वाला हूं, तो रिसीवर तैयार हो जाता है कि मुझे डेटा अब रिसीव करना है, तो ये हुआ एक्सचेंज रूल। इस प्रकार के कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए। इसके बाद जब ये रूल तय हो गए तब डेटा भेजना शुरू होगा, और जब ये डेटा भेजना शुरू होगा तो इसके फ्लो को कंट्रोल करना, अर्थात दोनों डिवाइसेस उस डेटा को सुचारू रूप से, प्रामाणिक रूप से भेज सकें और रिसीव कर सकें, ये जिम्मेदारी भी उसी प्रोटोकॉल को दी गई है, इसीलिए इसे हम सेट ऑफ रूल में रखते हैं। इन सबके बाद जो कम्युनिकेशन चल रहा है दो एंटिटी के बीच में, इसको मैनेज करना, इसको मॉनिटर करना भी प्रोटोकॉल में आता है। इस नियम का ध्यान भी एक सामान्य प्रोटोकॉल में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब इस इंटरनेट की सर्विस को पहुंचाने के लिए हम किस प्रकार से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को अपना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। 1977 में ISO ने एक आर्किटेक्चर मॉडल दिया कि कैसे हम नेटवर्क को एस्टेब्लिश करें। इससे पहले कई कंपनियां अपने अपने तरीके से नेटवर्क को ऑपरेट करती थी। उसमें समस्या ये आती थी कि एक कंपनी का नेटवर्क दूसरे कंपनी के नेटवर्क से कम्युनिकेट कैसे करेगा। तब ये आवश्यकता आई कि एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को उपयोग में लाया जाए। तो 1984 में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन अर्थात OSI मॉडल को मार्केट में लाया गया, और ये बाकी कंपनियों ने माना कि हम लोग इस मॉडल के माध्यम से ही नेटवर्क सर्विसेज को अपने कस्टमर तक लेके जाएंगे। OSI मॉडल में पूरे नेटवर्क सर्विसेज को 7 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है। अब ये बांटना क्यों, ये 7 अलग अलग लेयर्स की आवश्यकता क्यों है, तो उसको समझते हैं। जब हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को अलग अलग बांट देते हैं तो हमें उन्हें मॉनिटर करने में आसानी होती है। इसीलिए मॉनिटरिंग को आसान करने के लिए भी इन लेयरिंग को उपयोग में लाया गया। दूसरा, जब हमने काम बांट दिए तो उन काम को मैनेज करना भी आसान होता है, तो एक लेयर की जिम्मेदारी अपने काम तक ही सीमित कर दी जाती है। तीसरा, अगर कभी समस्या आई तो उस समस्या को आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, जिसे हम कंप्यूटर साइंस की भाषा में डीबगिंग कहते हैं। तो ये डीबगिंग में भी आसानी हो जाती है कि किस लेयर पर दिक्कत है। अगर हमारे इंटरनेट नहीं आ रहा है तो ये किस लेयर में दिक्कत है, ये आसानी से पहचानी जा सकती है अगर हम लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो करें। तो OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर बताई गई हैं। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर से हम शुरू करते हैं। फिजिकल लेयर का अर्थ है
कि वो फिजिकल कनेक्शन जो दो नोड्स के बीच में एस्टेब्लिश हो, दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, वो माध्यम या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। बिना फिजिकल लेयर के कोई भी डेटा दो एंटिटीज के बीच में कम्युनिकेट नहीं हो सकता है। इसके बाद है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का अर्थ हुआ नेटवर्क लेयर से आने वाला डेटा किस प्रकार से फिजिकल लेयर तक पहुंचाया जाएगा, ये जिम्मेदारी डेटा लिंक लेयर को दी गई है। जैसे हमारे सिस्टम से अगर ऑप्टिकल फाइबर लिंक है तो डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से आने वाले डेटा को लाइट में कन्वर्ट करेगा और वो फिजिकल लेयर तक पहुंचाएगा। इस प्रकार के काम के साथ साथ उसमें एरर ना आए, जो हमने डेटा एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी तक पहुंचा रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी डेटा लिंक लेयर की होती है। साथ में ही फ्लो, जैसे अगर एक नोड की स्पीड ज्यादा है, माने एक नोड में जो डिवाइस लगी है वो हायर स्पीड पे काम कर सकती है लेकिन दूसरे नोड की डिवाइस उतनी स्पीड पर काम नहीं कर सकती है। अगर हायर स्पीड वाले नोड ने डेटा भेजा तो लोअर स्पीड वाला नोड उस डेटा को रिसीव करने में असमर्थ होगा, जिससे डेटा ड्रॉप होगा, जो हम डेटा भेजना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगा। तो इसे हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं, जिसके ऊपर डेटा लिंक लेयर काम करती है, ये जिम्मेदारी भी डेटा लिंक लेयर की है। तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का अर्थ है नेटवर्क को डिसाइड करना, अर्थात रूट को डिसाइड करना। जैसे मैं अगर कोई चिट्ठी हल्द्वानी से आगरा भेजना चाहूंगा तो वो किस किस माध्यम से होके पहुंचेगी। जैसे हल्द्वानी का पोस्ट ऑफिस उस डेटा को या उस चिट्ठी को सबसे पहले अपने हेड ऑफिस तक पहुंचाएगा, हेड ऑफिस से वो दिल्ली तक पहुंचेगा, दिल्ली के बाद वो आगरा के हेड ऑफिस में पहुंचेगा और फिर वहां ये छटाई होगी कि ये चिट्ठी किस पते की है, तो उस लोकल पोस्ट ऑफिस तक पहुंचने के बाद पोस्टमैन उस चिट्ठी को मेरे तक पहुंचाएगा। लगभग यही जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की होती है। नेटवर्क लेयर का अर्थ हुआ कि जो दो नोड आपस में कनेक्टेड हैं, उन दो नोड के बीच में कौन सा बेस्ट रूट लेना और ऐसा रूट जो हमारे डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए, तो ये काम नेटवर्क लेयर करती है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलायबल अर्थात विश्वसनीयता के साथ डेटा को पहुंचाना। मतलब डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये चिंता करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है सेशन लेयर। जैसे हम लोग काफी ई कॉमर्स साइट के ऊपर कुछ सामान खरीदते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा आप अगर जितने भी आइटम सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी टोकरी के अंदर वो आइटम या कार्ट के अंदर आपको वो आइटम दिखते हैं, लेकिन हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन केवल एक बार में ही होता है। मतलब एक रिक्वेस्ट गई, एक रिस्पॉन्स आया। अब ये कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल रिक्वेस्ट करने वाला एक ही यूजर है? तो जो जिम्मेदारी सेशन लेयर की है वो यही है कि एक यूजर से मल्टीपल रिक्वेस्ट को बाउंड करे। वो जो बाउंडेशन है उसे हम सेशन कहते हैं और ये पूरी जिम्मेदारी सेशन लेयर की है। प्रेजेंटेशन लेयर का अर्थ है जो हमें यूजर से डेटा मिल रहा है वो डेटा किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने का अर्थ हुआ किस प्रकार की कोडिंग में कन्वर्ट करके उस डेटा को आगे पहुंचाना है। कोडिंग का अर्थ हुआ क्या डेटा ASCII कोडिंग में कन्वर्ट होगा या यूनिकोड में होगा या UTF-8 में होगा। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन लेयर का काम है इनक्रिप्शन करना। इनक्रिप्शन किस लिए करते हैं? इनक्रिप्शन करते हैं सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर को समझने के लिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अगर हम कोई इमेज भेजते हैं उस इमेज का साइज घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ इमेज का साइज घटा, जिसे हम लोग कंप्यूटर साइंस की भाषा में कंप्रेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का एक काम कंप्रेशन भी है। तो जो काम ये करती है वो प्रेजेंटेशन लेयर कहलाती है। इसके बाद है एप्लीकेशन लेयर। यूजर जिस लेयर से
नेटवर्क से कनेक्ट होता है उस लेयर को हम लोग एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपना रिजल्ट देखते होंगे, उस रिजल्ट को देखने के लिए आपको एक वेब पेज की आवश्यकता होगी जहां पर अपना आप रोल नंबर देते हैं। तो ये पूरी की पूरा काम जिस लेयर के हिस्से में आया है उस लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि दो एंटिटी के बीच में ये OSI मॉडल कैसे काम करता है। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, दो सिस्टम हैं और सिस्टम जो मेरे बाईं तरफ है वो डेटा भेजना चाहता है और मेरा दायां सिस्टम उस डेटा को रिसीव करना चाहता है। तो बाईं ओर का सिस्टम जो डेटा भेजेगा वो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर से होता हुआ फिजिकल लेयर तक पहुंचेगा। और क्योंकि दोनों सिस्टम की कनेक्टिविटी फिजिकल लेयर से है तो फिजिकल लेयर उस डेटा को बाइनरी फॉर्म में दूसरे मशीन के फिजिकल लेयर तक पहुंचा देगा। वो फिजिकल लेयर इस डेटा को रिसीव करेगा और उस डेटा को डेटा लिंक लेयर तक पहुंचाएगा। अब ये जो बाइनरी डेटा है वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डेटा लिंक लेयर जिस डेटा पर काम करती है उस डेटा यूनिट को हम लोग फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम के बाद डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर तक इस फ्रेम को पहुंचाएगी। नेटवर्क लेयर जिस डेटा यूनिट पर काम करती है उस डेटा यूनिट को हम लोग पैकेट्स कहते हैं। नेटवर्क लेयर इस डेटा पैकेट्स को पहुंचाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर तक। ट्रांसपोर्ट लेयर जिस डेटा पैकेट पर काम करती है उसे सेगमेंट कहते हैं और सेगमेंट के बाद जो डेटा है वो क्लब हो जाएगा और ग्रुप होने के बाद वो प्रॉपर वही डेटा बन जाएगा जो यूजर ने भेजा है। अब समझने वाली बात यह है कि फिजिकल लेयर से कनेक्ट होती है, डेटा लिंक लेयर से, नेटवर्क लेयर नेटवर्क से, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट से, और इसी प्रकार से सारी लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन इस कनेक्शन का जो तरीका होगा वो होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी, अर्थात ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर से होते हुए दूसरी मशीन के ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचेगा। लेकिन जो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर हैं ये आपस में 1-to-1 काम करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेशन तभी बनेगा जब दूसरी सेशन लेयर पहले सिस्टम की सेशन लेयर से कनेक्टेड होगी। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन लेयर, अगर डेटा इनक्रिप्ट होगा अर्थात सिक्योरिटी हम उसमें लगाएंगे तो दूसरी तरफ की लेयर को उसे डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एस्टेब्लिश होती हैं और नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर हार्डवेयर के माध्यम से एस्टेब्लिश होती हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। और इस ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी एंड टू एंड रिलायबल ट्रांसमिशन की होती है। अब एप्लीकेशन लेयर मैसेज या PDU पर काम करती है। इसकी जो प्रोटोकॉल है मुख्यतः वो है HTTP, FTP, SMTP आदि, और इसका काम यूजर को प्रॉपर सर्विसेज पहुंचाना है। ये सर्विसेज ईमेलिंग हो सकती है, फाइल शेयरिंग हो सकती है, वेरियस डायरेक्टरी सर्विसेज हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जिस डेटा यूनिट पर काम करती है उसे भी मैसेज या PDU कहा जाता है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो एनकोडिंग करना, डेटा कंप्रेशन करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना होता है। और ये जिन प्रोटोकॉल पर काम करती है वो प्रोटोकॉल है ASCII, EBC, DIC, JPG आदि। सेशन लेयर, जैसा मैंने पहले बताया, इसकी डेटा यूनिट भी मैसेज या PDU है। सेशन लेयर का काम है कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज करना जिससे कि कंटिन्यूअस डेटा एक्सचेंज दो नोड के बीच में हो पाए। इसके जो प्रोटोकॉल है RPC, PAP। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसकी जो डेटा यूनिट है वो है सेगमेंट, और रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग होता है, या यूं कहें ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी रिलायबल ट्रांसमिशन करना है वो भी दो मशीन के बीच में। इसके जो मुख्य प्रोटोकॉल है वो TCP और UDP। पांचवी लेयर है नेटवर्क लेयर, जो डेटा यूनिट है उन्हें हम पैकेट या डेटाग्राम कहते हैं। इस लेयर का जो काम है वो है स्ट्रक्चरिंग,
मैनेजिंग ऑफ मल्टी नोड नेटवर्क, अर्थात किस प्रकार से स्ट्रक्चर करना, किस प्रकार के पाथ डिसाइड करना जिससे कि दो नेटवर्क लेयर के बीच में डेटा पहुंच पाए, ये जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की है। इसके जो मुख्य प्रोटोकॉल हैं वो है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, आईपी सिक्योरिटी जिसे हम आईपी सेक भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर सामान्यतः फ्रेम में काम करती है और इसकी जिम्मेदारी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स दो नोड के बीच में होती है। इसके जो प्रोटोकॉल हैं वो पीपीपी, IEEE 802.2, L2TP आदि हैं। और आखिरी लेयर या यूं कहें जो आधारभूत लेयर है जिसके माध्यम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है वो है फिजिकल लेयर, जो कि रॉ बिट्स में काम करती है और जिसकी जिम्मेदारी एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा को पहुंचाने की है। ये लेयर के जो प्रोटोकॉल हैं वो DSL या USB हैं। ये एक पूरा का पूरा चित्र दिखाता है कि किस प्रकार से विभिन्न लेयर विभिन्न प्रोटोकॉल पर काम करती हैं। हमने इस चर्चा से ये जाना इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट को कैसे हम एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर दे सकते हैं, उस स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर के बारे में हम लोगों ने जाना और फिर हम लोगों ने ये जाना कि ये 7 लेयर की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, इन जिम्मेदारियों को अर्थात सर्विसेज को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगले सत्र में हम जानेंगे कि हम इंटरनेट के माध्यम से वेब पेज कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में अगले सत्र में जानेंगे। धन्यवाद।